उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला में खादिम क्लब तेलीवाला की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आरएलडी नेता परविंदर चौधरी ने शिरकत की। वहीं आयोजित टूर्नामेंट में आरएलडी नेता परविंदर चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी सांसद खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वह अपनी निधि से खेल मैदानों के निर्माण के साथ ही युवा हित में कार्य कर रहे हैं और अब उत्तराखंड में भी उनकी पार्टी द्वारा खेल व युवा हित में कार्य किए जाएंगे क्योंकि उत्तराखंड में होनहार युवाओं की कोई कमी नहीं है। वहीं बस उन्हें मंच मिलने की जरूरत है। इसी क्रम में खेल आयोजक रजत लोधी ने कहा कि खेल को लेकर युवाओं से भारी उत्साह है और भारी संख्या में दर्शकों ने खेल का लुत्फ लिया। डोईवाला से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जिस तरह से इस टूर्नामेंट का माहौल है, जिस तरह से युवा इस मैच को देखने के लिए आया है, उससे निश्चित तौर पर यह तो है कि खेल के प्रति लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा है। और वहीं जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, पढ़ाई का प्रेशर, हम निश्चित तौर पर देखते हैं किस तरह से बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं। खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं, चाहे फिजिकल एक्टिविटी के जरिए हो, चाहे खेल कूद के जरिए मैदान में हो। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि छोटे ग्रामीण शहरों में खेल की जो एक्टिविटीज़ है वो होती रहनी चाहिए। उससे जो जितने भी युवा हैं वो खेल के प्रति अपना ध्यान भी देते हैं, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू रखते हैं और उससे निश्चित तौर पर लाभ सभी का है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। ये पहल अच्छी है बच्चों के लिए और हम भी देखते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भी अपनी पूरी जो भी सांसद निधि है उस बच्चों के लिए प्रोत्साहन में लगा रहे हैं, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो। और हमने उत्तराखंड के लिए बात करी है सांसद जी से कि हमारे उत्तराखंड में भी कुछ राशि दी जाए ताकि बच्चों के लिए स्टेडियम या किसी ऐसे ग्राउंड की वो किया जाए, बच्चों को खेलने में सुविधा हो।